वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इवेंट हैंडलिंग और इवेंट बाइंडिंग के बारे में। तो हम क्लास के अंदर एक क्लास कंपोनेंट बना के और एक फंक्शनल कंपोनेंट बना के दोनों में ये वाली चीज़ करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप विजुअल कोड यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आप रिएक्ट का स्निपेट, ये वाला, एक सेकेंड, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको इसका बेनिफिट मैं बताता हूँ अभी आपको, कि जैसे आप कोई भी फाइल बनाते हो, जैसे मैंने बनाया, ये तो मैं सेव करता हूँ लिंक, इवेंट पढ़ा रहे हैं ना, इवेंट के, इवेंट डॉट जीएस, fn इवेंट लिख देते हैं। ये मैंने सेव करी एक फाइल। अब हमें इसमें बनाना है फंक्शन वाला कंपोनेंट, तो इसमें सिंपल आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर RFC, उसके बाद देखो ये आ जाएगा, एंटर मार दो, आपका देखो पूरा मतलब इंपोर्ट हो गया अपने आप रिएक्ट का कंपोनेंट। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में इसने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया, और आप यहाँ पे आके इंक्लूड कर दो बस, यहाँ पे आके इंपोर्ट FN क्लिक एफ एन इवेंट फ्रॉम और इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल हेलो, ये देखो आ गया हेलो, यस ठीक है। तो इसमें सिंपल आप स्निपेट करके डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो ये तो हो गया इसका बेनिफिट। अब इसमें चलते हैं इवेंट हैंडलिंग के बारे में। अब मान लो मैं इसके अंदर कोई बटन बनाता हूँ, मैंने बटन बनाया, ऐड नाम का कुछ भी रख दिया नाम, और यहाँ पर एक इवेंट बनाते हैं कि इस बटन पर जैसे ही क्लिक हो तो कुछ इवेंट चलना चाहिए। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे इसमें ऑन क्लिक, और यहाँ पर अपने फंक्शन का नेम जो आप बनाने वाले हो, तो अभी क्लिक क्लिक इवेंट बना देता हूँ मैं ऐसे, और इस नाम का यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं फंक्शन, फंक्शन ये, और इसके अंदर हम कंसोल करा लेते हैं यस कॉल्ड, चेक करते हैं इसको। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये कॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये इवेंट इसमें बना सकते हैं। अब एक और तरीका, अब इसमें पता है क्या, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये डाल देते हैं कि फंक्शन को कॉल कराने के लिए, हम नॉर्मली यही लिखते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, तो इससे क्या नुकसान होगा आपका, ये देखो इसको जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो स्टार्टिंग में ये देखो यस कॉल आपका कॉल हो गया, उसके बाद आप इस पर कितना भी क्लिक कर लो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसको कॉल करवा दिया है। तो इसलिए इसमें सिंपल जो फंक्शन का जो नेम होगा वो लिखना पड़ेगा आपको, फंक्शन के केस में जो फंक्शनल कंपोनेंट आपने बना रखा होगा, केवल उस वाले केस के लिए बता रहा हूँ मैं, बाकी अदरवाइज ये काम करेगा आपका, ठीक है। सेम ऐसे ही हम इसमें क्या करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं, वो बना लेते हैं क्लास के लिए CL, एक मिनट सेव करते हैं इसको, CLS इवेंट डॉट GS, मतलब क्लास का इवेंट है। अब सेम जैसे हमने स्निपेट यूज़ करा था, इसके लिए हम यूज़ करेंगे RCE, जैसे आप RCE लिखोगे एंटर मार दो तो अपने आप देखो इंपोर्ट हो गया आपका रिएक्ट कंपोनेंट, पूरी क्लास बन गई, सेम जो नेम है ना आपके फाइल का उस नाम से क्लास का नेम बन गया आपका, और ये एक्सपोर्ट हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास कॉल्ड, अच्छा इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी। अब सेम हमें यूज़ करना है इसको, कहाँ गया, तो उसके लिए इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट अपना
सी एल एस इवेंट फ्रॉम, और अब इसको यूज कर लेते हैं। ये आ गया आपका क्लास कॉल्ड, ठीक है। अब क्लास के अंदर इवेंट लिखते हैं, तो क्लास के अंदर इवेंट लिखने के लिए आपको करना है इसमें सिंपल, पहले तो यहाँ पर बना लेते हैं बटन, क्लास ऐड बटन, और यहाँ पर हम कॉल करवाते हैं ऑन क्लिक इक्वल टू दिस डॉट क्लिक इवेंट, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं फंक्शन सेम कंसोल लॉग यस, चेक करते हैं अभी कॉल हुआ है नहीं हुआ हमारा। ऑन क्लिक लिस्ट टू ये फंक्शन है, अच्छा एक मिनट ये होगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा इसमें, नहीं एरर नहीं है। इस पर मैं ऐड करता हूँ क्लास पे, तो ये देखो यस ये मेरा कॉल हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कॉल कराने का तरीका, अब आता है बाइंड करने का। अब मान के चलो आपके पास कुछ होता जैसे कि कंस्ट्रक्टर होते हैं, जैसे मान लो मैंने अपने कुछ स्टेट्स बना रखे होते हैं, उसमें एक कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर हमने स्टेट बना रखे होते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे करके, और इनको अपडेट करवाना है। अपडेट करवाने के लिए भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कोड जो था ये वाला सिंपल, इसको बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर अब चेक करते हैं इसमें कुछ एरर आता है नहीं आता, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसने क्या बोला, सेट स्टेट में अनडिफाइंड बता दिया दिस डॉट सेट स्टेट। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो ये हमारा इवेंट हैंडलर है ये बाइंड नहीं हुआ अभी, तो उसके लिए हमें बाइंडिंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसमें तीन चार तरीके होते हैं जिससे ये बाइंड हो जाएगा आपका। जैसे पहला तरीका आपका सिंपल, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ये कॉपी करा मैंने यहाँ पेस्ट करा। देखो पहला तरीका आपको हमने लास्ट वीडियो में भी अगर देखा होगा अपने यहाँ पर हमने कैसे यूज़ करा हुआ था, देख रहे हो, तो सेम हम ये यूज़ करेंगे। यहाँ पर एरो लगाया और ये कर दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं हम इसको, देखो फंक्शन कॉल हो रहा है, अच्छा वैल्यू भी प्रिंट करवा के हम दिखा देते हैं ये एलो एड। एक मिनट ऊपर वाले वेरिएबल को मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, सिंपल क्लास का चलने देते हैं अभी क्लास, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर क्लास के अंदर यहीं पे दिस डॉट स्टेट डॉट फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम आ गया मेरा कोड, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा टेस्ट हो गया। तो इसका मतलब उसने दिस डॉट सेट स्टेट सही कॉल करवा लिया, एक तरीका ये हो गया बाइंड करने का, ठीक है। अब एक और तरीका मैं बताता हूँ इसके अंदर, आपको यहीं पे क्या कर देना है दिस डॉट जो आपके फंक्शन का नेम है उसके बाद डॉट बाइंड, उसके बाद उसके अंदर डाल दो आप दिस, ठीक है। अभी आपका जो नेम है वो क्लास आ रहा है, जैसे मैं क्लास ऐड पर क्लिक करूँगा आपका नेम हो गया टेस्ट, मतलब इसने भी बाइंड कर दिया आपका, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया। अब एक और तरीका मैं बता देता हूँ आपको, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, जो ये है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं
और इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल देते हैं। ये कंस्ट्रक्टर ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको यहाँ पे बाइंड कर दो, जो कि रिएक्ट के अंदर मोस्टली यही यूज़ करते हैं नॉर्मली, कि हर एक फंक्शन को हम बाइंड करके रख लेते हैं, तो हर जगह हमें ये बाइंड करने की ज़रूरत होती है, ये फैट एरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखना आप, इससे भी आपका बाइंड हो चुका होगा, 1 मिनट, ये मैंने क्लिक करा, ये देखो नाम भी चेंज हो गया, टेस्ट हो गया, और यहाँ पर यस कॉल हो गया जितनी बार भी है, ये देखो कॉल कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा तरीका। अब इसमें एक और तरीका है, वो क्या है वो ही मैं बताता हूँ आपको। ये कॉपी करा हमने, इसको कमेंट कर दिया, या फिर इसको रहने दो, ठीक है ये हम रहने देते हैं अभी के लिए, सेम हम ये यूज़ करने वाले हैं। बस उसमें क्या करेंगे, हम बाइंड नहीं करेंगे, जो ये बाइंड है इसको नहीं करता मैं बाइंड, और जो मेरा फंक्शन है उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एरो फंक्शन में ऐसे। अब मैं चेक करता हूँ इसको, अब यहाँ पर मैं कॉल कराता हूँ, तो ये देखो ये बाइंड हो गया। तो ये सारे तरीके हैं, इसमें से आप जो भी चाहिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि आप ये वाला तरीका सबसे सही है, कि पहले अपने सारे फंक्शन को बाइंड करके रख लो। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके पेज पे कितने फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, तो ये सारी डिटेल पता चल जाएगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको इसमें से सही लग रहा है वो करो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।